सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू अवर क्लास एएस टेक्निक, मेक योर माइंड शार्प। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक पर, जहां पर बनाया जाता है आपके दिमाग को बहुत ही ज्यादा शार्प। तो आज की क्लास में हम राहुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करते हैं अपनी क्लास में। क्लास है HTML की, जिसमें टॉपिक चल रहा है HTML इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी की क्लास है। टॉपिक चल रहा है चैप्टर सेकेंड HTML, और उसमें टॉपिक अपना क्या क्या कंप्लीट हो चुका था। तो उसमें हम बॉडी टैग पढ़ चुके हैं, बेसिक सिंटैक्स पढ़ चुके थे, बहुत सारे एट्रीब्यूट पढ़ चुके थे बॉडी के, उसके बाद इमेज को कैसे इंसर्ट करना है पढ़ चुके थे, पैराग्राफ क्या होता है, टेक्स्ट को कैसे अलाइन किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। और कल की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? हाँ, हाइपरलिंक बनाना सीखा था कल की क्लास में, है ना। तो आई थिंक कि आप लोगों ने अपने घर पे प्रोग्रामिंग की होगी और हाइपरलिंक बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और हाइपरलिंक नए टैब में कैसे ओपन होती है ये भी करना मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है। अब इमेज आप जब थोड़ा सा एक चीज़ हमने शायद नहीं बताई आपको, तो वो चीज़ हम आपको बता दें, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको इमेज इंसर्ट करना बताया था, तो ये वेब पेज था आपका, ठीक। हमने जो भी पैराग्राफ लिखे हुए हैं वो पैराग्राफ आएंगे, और जहां इमेज इंसर्ट करते थे वहां इमेज आ जाएगी, गॉट इट, है ना। जहां इमेज इंसर्ट करते थे वहां अपनी इमेज आता आती थी, और इमेज आने के बाद फिर उसके बाद यहां से टैग अपना टेक्स्ट लिखना स्टार्ट होता था, है ना। मतलब हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इमेज यहां लिखी है तो ये जो जगह आपकी फालतू है ये जगह फालतू ना जाए, ठीक है। सो वी वॉन्ट टू रैप टेक्स्ट, क्या करना चाहते हैं हम टेक्स्ट को रैप करना चाहते हैं, ठीक। सो हाउ टू रैपिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को रैप कैसे किया जाता है। रैप करने का मतलब क्या है? रैप्टा मानना नहीं होता रैप करने का मतलब, है ना। रैप करने का मतलब होता है जैसे ये लाइनें लिखी हुई हैं आपकी, उसके बाद इमेज आ गई, इमेज के बगल की ये जो क्या है जगह खाली है, ठीक है, ये जगह आपकी क्या ना जाए, वेस्ट ना जाए उसके लिए। और यहाँ से आपका दूसरा टेक्स्ट दिख रहा है, तो अगर ये टेक्स्ट किसी भी तरह यहाँ आ जाए इसी के साथ तो अच्छा रहेगा, है ना, अपनी जगह भी बच जाएगी और सही भी दिखेगा कि यहाँ इमेज लगी है, उसके बगल में उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, है ना। तो ये चीज़ हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये शायद करना मैंने आपको नहीं सिखाया। सो देयर आर टू मैटर टू रैपिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को रैप करने के कितने मैटर होते हैं, दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक होता है बाय यूजिंग CSS, ठीक है, क्या, बाय यूजिंग CSS। तो भाई अभी मैंने आपको CSS तो पढ़ाया नहीं है, है ना। CSS इज स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, है ना। CSS इज स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल एंड शीट, है ना, क्लियर। तो CSS इज स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। सो CSS तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, जो आपका सेकंड चैप्टर है, इसके बाद जस्ट आपका थर्ड चैप्टर है, एंड द चैप्टर इज कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। अगला चैप्टर आपका जो है वो है CSS, तो उसमें हम आपको बताएंगे ये वाला तरीका, ठीक है, कि CSS का यूज करके हम टेक्स्ट को कैसे रैप करते हैं। उससे पहले बाय यूजिंग HTML एट्रीब्यूट, है ना, HTML के एट्रीब्यूट का भी यूज करके तो हम टेक्स्ट भी तो कर सकते हैं, है ना। जरूरी थोड़ी है CSS यूज करें, ठीक है। अगर हमें नहीं करना अपनी प्रोग्रामिंग में कोई भी CSS यूज, तो क्या हम अपने टेक्स्ट को रैप ही नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो रैपिंग टेक्स्ट यूज करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप जो आप इमेज टैग यूज करते हैं ना, क्या यूज करते हैं, इमेज टैग यूज करते हैं, है? इमेज टैग यूज करने में, इमेज टैग जो होता है वो क्या होता है आपका IMG, ठीक, और इसमें होता है आपका SRC, ठीक। और SRC इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्या लिखते हैं, इमेज का URL लिखते हैं कि नहीं, इमेज का URL लिखते हैं, और उसके बाद इमेज का नाम .jpg या .png, png जो भी फॉर्मेट होता है उसका वो लिख देते हैं, क्लियर ना, यहाँ तक तो बात क्लियर थी अपनी, ओके। इसके बाद हम अलाइनमेंट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, अलाइनमेंट। तो इमेज के एट्रीब्यूट हमने आपको बताए हैं, सो अलाइन में हमने सपोज दैट लिख दिया लेफ्ट, ठीक, और लेफ्ट लिखने के बाद एक स्पेस दिया, और स्पेस देने के बाद हम यहां पे स्लैश लगा देंगे, ठीक। क्या करना है हमें, इमेज SRC इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा इमेज URL, और जो भी आपका इमेज का नाम वो नाम प्लस इमेज का फॉर्मेट लिखेंगे, उसके बाद अलाइनमेंट यूज करेंगे। अलाइनमेंट यूज करने के बाद एक स्पेस देके हम क्या लगा देंगे, स्लैश लगा देंगे। जैसे ही हम इसमें स्लैश का यूज करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा,
रैप हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा टेक्स्ट? रैप हो जाएगा। रैप होने का मतलब हम आपको बता चुके हैं कैसे हो जाएगा, मतलब जो टेक्स्ट हमारा यहां से शो हो रहा था वो यहां से शो ना होके इमेज के जस्ट बगल से ही क्या होने लगेगा, शो होने लगेगा। अगर यही चीज हम ऐसे करें कैसे, यहां पे अलाइनमेंट लेफ्ट की जगह पे हम अगर राइट यूज कर दें, ठीक है, और राइट यूज करने के बाद हम स्लैश लगाएं तो हमारे वेब पेज पे कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे हमारा जो भी टेक्स्ट था वो दिखेगा, यहाँ इमेज आ गई उसके बाद यहाँ पे हमारा टेक्स्ट दिखने लगेगा, और फिर जैसे ही इमेज की क्वांटिटी पूरी होगी, इमेज की लाइन पूरी होगी, तो यहाँ पे आपका फिर से टेक्स्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का कुछ आपका पेज दिखेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये रैपिंग द टेक्स्ट करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं, बाय यूजिंग सीएसएस प्रॉपर्टी, कास्केडिंग स्टाइल शीट। जब हम कास्केडिंग स्टाइल शीट पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी आपको केवल इतना करना है कि जो हम इमेज टैग यूज कर रहे थे उस इमेज टैग में हम आगे तक बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे जो आपका अलाइनमेंट है उस अलाइनमेंट के बाद स्पेस देके एक स्लैश लगा देना है और आपका काम, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप ये स्लैश लगाओगे सो टेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, आपका रैप हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप एक चीज और यूज करते थे, एक एच स्पेस बी स्पेस भी यूज करते थे, यस और नो? एच स्पेस और वी स्पेस भी यूज करते थे सर हम, अगर ऐसा इनका भी यूज कर ले तो हमारा टेक्स्ट कैसे दिखेगा? वेरी सिंपल भाई साहब, जैसे आपने लिखा कि एच स्पेस में आपने 20 पिक्सल दिया और वी स्पेस आपने 30 पिक्सल दिया, तो यहाँ पे आपका वेब पेज है हॉरिजॉन्टली ये 20 पिक्सल खिसक जाएगा, वर्टिकली ये 30 पिक्सल खिसक जाएगा, और यहाँ कहीं बीच में अगर आपका इमेज आ गया तो ये ऐसे टेक्स्ट आएगा, यहाँ तक टेक्स्ट आएगा, उसके बाद डिंग 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 डिंग, और फिर बात की टेक्स्ट फिर से ऐसे लिखना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? है ना, यहाँ पे हमारी इमेज और उसके दोनों तरफ टेक्स्ट, मतलब कुल मिला के जो इमेज है वो टेक्स्ट से घिर जाएगी, ठीक है। इमेज जो है वो क्या हो जाएगी, टेक्स्ट से घिर जाएगी। किसका यूज करके? केवल इन भाई सब के स्लैश लगा दो इमेज में, इमेज टेक्स्ट से घिर जाएगी। स्लैश नहीं लगाओ, इमेज नहीं घिरेगी, रैप टेक्स्ट नहीं होगा और इमेज आएगी, इमेज के आसपास कोई टेक्स्ट नहीं होगा, ऊपर जैसा टेक्स्ट लिखा था वो होगा, नीचे जैसा टेक्स्ट था वो होगा। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो ये चीज और बतानी थी हमें, सो हमने आपको बता दी। अगर आपको नोट करना अच्छा लगता है सो आप यू कैन नोट, और नहीं लगता अच्छा तो भैया भगवान की मर्जी तो आपके ऊपर चलेगी। ठीक, ले लो भैया इसको स्क्रीनशॉट। जे किसके लिए? जब हम अलाइनमेंट लेफ्ट का यूज करेंगे। जे किसके लिए? जब हम अलाइनमेंट राइट का यूज करेंगे, है ना। और ये किसके लिए? जब हम एच स्पेस बी स्पेस या फिर अलाइनमेंट सेंटर का उपयोग करेंगे, ठीक है। और ये किसके लिए? जब हम अपने मोबाइल का यूज करेंगे। ठीक, मोबाइल वोबाइल के लिए नहीं है ना, कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करने के लिए। चलो तो आगे बढ़ें। ठीक, टॉपिक जो हमें पढ़ाना था उस टॉपिक पे आते हैं, वो एचआईवी है। तो अपना आज का टॉपिक जो था नया वो ये था, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, टेबल, है ना। सो हाउ टू क्रिएट अ टेबल, ठीक है। जाहिर सी बात है वेब पेज बना रहे हो तो टेबल तो लगेगी, है ना, कभी ना कभी तो लगेगी, है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई वेब पेज तो ऐसा आएगा जिसमें टेबल बनाओगे कि नहीं बनाओगे, बताओ। ऐसी थी। ठीक, चलिए भाई तो पढ़ते हैं कि टेबल टैग का यूज होता क्या है। भैया पहले तो टेबल बता दे क्या होती है ना। तो टेबल भैया सिंपल सी ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती, ऐसी, ठीक, ऐसा कुछ होता है टेबल में, नहीं होता, हाँ, और फिर ऐसा कुछ होता है, होता, हाँ सर देखा तो है लगभग लगभग, फिर ऐसा कुछ होता है ना, फिर ऐसे कुछ होता है, फिर ऐसा कुछ होता है, आहा, ठीक, होता है कि नहीं होता है? हाँ, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद सर आप ये करते हो, देखो क्या करते हैं हम, कुछ नहीं सिर्फ इतना सा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एसआर नंबर,
ठीक यहां लिखते हैं नेम, ठीक इसके बाद यहां लिखते हैं हम डेजिग्नेशन, ठीक और यहां लिखते हैं ठीक, मतलब नाम जैसी आपने टेबल देखी नेम डेजिग्नेशन सैलरी, तो आपको दिमाग में आया होगा बढ़िया सा आइडिया, और वो आइडिया क्या होगा कि ये जो सैलरी, ये जो आपकी टेबल है ये क्या है, आपका सैलरी चार्ट है ना, क्या है ये सैलरी चार्ट है, किसका ऑफ एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय का क्या है ये सैलरी चार्ट है ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी की, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो हमने कहा आपसे कि आप सपोज दैट एक कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी का वेब पेज आपको बनाना है, उस पे आपको एक टेबल बनानी है, उस टेबल में आपको कंपनी में काम करने वाले लोगों के नाम लिख रहे हैं, उनकी डेजिग्नेशन और उनकी सैलरी बतानी है, ठीक कैसे करेंगे देखिए, तो ऐसे करेंगे। लो भैया सीरियल नंबर पहला, ठीक पहले पे आ गए कौन, मुकेश शर्मा, ठीक एक शर्मा जी है मुकेश शर्मा जी, इनका डेजिग्नेशन क्या है, कुछ नहीं भैया ये जो कंपनी है उस कंपनी के एमडी है, ठीक है एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है और मैनेजिंग डायरेक्टर है तो इनकी सैलरी लगभग 75,000 के समथिंग तो होगी पर मंथ, ठीक अच्छा आगे बढ़े। दूसरे नंबर पे हमने कहा भाई साहब क्या करें, हमने कहा कुछ नहीं करो, दूसरे नंबर पे आप ऐसा करो कि एक और इंसान का नाम लिखो, हमने कहा भैया दूसरे इंसान है राहुल कुमार, याम नहीं है ठीक राहुल कुमार, ठीक है और इनकी डेजिग्नेशन क्या है, इनकी डेजिग्नेशन भैया एचआरए है ये, ठीक है कौन है ये कंपनी के एचआरए हैं, ठीक है एचआरए मतलब एचआरए नहीं सॉरी एचआर है, ठीक है एचआर कौन होते हैं जो कंपनी में एम्प्लॉय को रखते हैं, है ना डायरेक्टर के लेवल पे होते हैं, ठीक इनकी थोड़ी सी कम है इनसे बस थोड़ी बात कर जा, एक और लोग को ले लेते हैं, ठीक हमने कहा एक पीयूष अग्रवाल है करके या पीयूष खरे हैं, पीयूष खरे हैं ठीक, और इनका नाम जो है इनकी डेजिग्नेशन जो है ये उस कंपनी के एरिया मैनेजर है, ठीक है एरिया मैनेजर मतलब ये बाहर के काम देखते हैं कि बाहर से कहाँ से क्या कंपनी को फायदा हो रहा है ना, तो एरिया मैनेजर है ये कंपनी का, ठीक है और इनकी जो सैलरी है ये कुछ ज़्यादा कम नहीं है 60,000 समथिंग है, इनका अच्छा खर्च चल रहा है, ठीक है। तो चौथे नंबर पे हम एक और काम कर ले रहे हैं कि एक और भाई साहब को ले रहे हैं, ये भाई साहब जो हैं इनका नाम फलाने रख दें क्या, नहीं नहीं फलाने ढिकाने रहने दो, ठीक है इनका नाम रख दे रहे हैं हम आलोक, ठीक आलोक झा, क्या आलोक झा, ठीक ये कौन है, हमने कहा भैया ये जो हैं ये कंपनी के जेई हैं, जेई मतलब जेई नहीं है तो भैया ऐसा बोल सकते हो कि ये इंजीनियर हैं उस कंपनी में बस, ठीक ये क्या हैं आपके मेन इंजीनियर हैं, ठीक है तो इनका सैलरी थोड़ा सा इनसे कम कर दो, और कम नहीं करनी तो इनसे थोड़ी ज़्यादा कर दो, 65,000 क्या दिक्कत है, कौन पैसा आपने दे दिया, ठीक तो ये अपन ने क्या बना लिया, एक टेबल बना लिया, ठीक अब इस टेबल को हमने तो हाथ से बना लिया, लेकिन हमें हाथ से बनाना तो आता था, ठीक है हमें बनाना है यूजिंग HTML लैंग्वेज, ठीक है HTML लैंग्वेज का यूज करके जो पीछे टेबल बनी है उसको हमें बनाना है, ठीक सो हाउ कैन वी prepare a table using HTML, ठीक है या how can you create a table using HTML language, HTML language का use करके आप एक table को कैसे बनाते हैं, तो आइए जरा उसकी एक झलक देखते हैं, वही दिखा सकते हैं, ठीक तो इसको अभी फिलहाल रखते हैं अपन ऊपर, ठीक और अपन करते हैं प्रोग्राम क्योंकि अपन वही पढ़ रहे हैं, ठीक चलो तो कुछ नहीं करना है, टेबल बनाने के लिए हम टेबल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, ठीक टेबल बनाने के लिए हम
टेबल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, और टेबल एट्रीब्यूट जो होता है वो एक कंटेनर एट्रीब्यूट होता है, टेबल को शुरू करते हैं, टेबल को क्लोज भी करते हैं। एट्रीब्यूट और टैग में अंतर ये होता है कि टैग जो है, जो हमने टेबल लिखी हुई है, ये एक इसका टैग है, ठीक। और अगर हम ऐसे लिख दें कि ये लिखी हमने टेबल, और टेबल में हमने कहा कि हमें बॉर्डर लगाना है, वो भी 5 पिक्सल का चारों तरफ, ठीक, तो इस टेबल का एट्रीब्यूट हो जाएगा बॉर्डर, आया बस नहीं। तो एट्रीब्यूट मतलब होती है प्रॉपर्टी, और टैग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज किया जाता है, ठीक। आ जाते हैं, घने बादलों के बीच में हमारी टेबल जाती हुई, चलिए बहुत अच्छी, ठीक। तो टेबल एट्रीब्यूट का, वो टेबल टैग का यूज करते हैं हम किसमें, ठीक है, टेबल टैग जो होता है इसका यूज हम करते हैं अपने किसमें, HTML वेब डॉक्यूमेंट में, क्या बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या टेबल का यूज ऐसे ही किया जाता है, बिल्कुल नहीं, हम टेबल लिखेंगे, ठीक, और टेबल के अंदर हम एक और चीज लिखेंगे, टेबल में क्या होती है, रो होती है कि नहीं होती, ठीक। तो टेबल के अंदर हम किसका यूज करेंगे, TR टैग का यूज करेंगे, और TR टैग क्या होता है, रो को डिफाइन करता है, ठीक, किसको डिफाइन करता है, रो को डिफाइन करता है, ठीक है। तो एक एक रो करके टेबल बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, एक एक रो करके टेबल बनाई जाती है, ठीक है, रो करके नहीं, एक एक रो में टेबल बनाई जाती है। फिर तुम सोचोगे रो करके बनाई जाती है तो फिर टेबल बनाओ, ऐसे नहीं, ठीक है, रो करके मतलब एक एक रो में, हाँ। तो TR बनाया, TR के बाद जो आप पहली, जैसे हमने यहां पे देखो थोड़ा और नीचे आ गए, जैसे आपकी ये पहली रो है, ठीक, तो पहली रो में हम जो ये चीजें लिखते हैं, ये कि हम इस पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिख रहे हैं, है ना, इस पर्टिकुलर कॉलम में, इस पर्टिकुलर कॉलम में क्या आएगा, 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 तो पहली रो में डिफाइन किया जाता ना कि इस वाले कॉलम में नाम आएंगे, इस वाले कॉलम में क्या बोलते हैं, उनकी क्लास का नाम आएगा, उनके पिताश्री का नाम आएगा, उनकी माताश्री का नाम आएगा, उनके गाँव का नाम आएगा, उनका एड्रेस आएगा, उनका मोबाइल नंबर है ना, उनकी ईमेल आईडी आएगी, ठीक है, वो किस क्लास में पढ़ते हैं वो आएगा, उनकी फीस कितनी जमा है वो आएगी, ठीक, आते कि नहीं, हमें बताना पड़ेगा ना कि ये कॉलम पर्टिकुलर किस चीज के लिए है, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं हेडर, ठीक, ये जो पहली रो में जो हम डिफाइन करते हैं ये होते हैं हेडर, ठीक। तो TR टैग के बाद हम इसमें यूज करेंगे TH टैग, कौन सा टैग, TH, ठीक, और TH टैग में हम हेडर डिफाइन करेंगे, जैसे हमने वहां पे लिखा SR नंबर, SR नंबर डिफाइन किया और TH को क्लोज किया, कर दिया। फिर दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा हेडर हमने कहा नेम है, तो नेम डिफाइन किया, टैग को बंद किया। फिर हमने कहा तीसरा क्या है, तो तीसरा हमने कहा डेजिग्नेशन है ना, तो डेजिग्नेशन है, फिर उसको भी हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर चौथा क्या है, हमने कहा TH में चौथा सैलरी है, ठीक, और सैलरी को भी अपन ने, जैसे सारे हेडर आपके क्या हो गए, डिफाइन हो गए, तो TR टैग क्या हो जाएगा, बात समझ आई, पहली रो कंप्लीट नहीं हुई, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, कहाँ जाते अभी रुक जाए, सीखेंगे, एट्रीब्यूट अभी हमने एक भी बताया, अभी केवल हम आपको टेबल बनाना सीखे, अभी तो हमने, फिर तो कहो सर जी हमें इसमें पर्टिकुलर एक बॉर्डर चाहिए, सर हमें टेबल के बैकग्राउंड में कलर चाहिए, सर हमें ये वाला जो कॉलम है इसके लिए हमें ये कलर चाहिए, इस वाले कॉलम के लिए हमें ये कलर चाहिए, टेक्स्ट का कलर हमें ये चाहिए, तो आपको जो जो चाहिए हम सब देंगे आपको, लेकिन सब्र रखो, ठीक है, हाँ, सबूर बहुत जरूरी है, ठीक। तो अपन की क्या हो गई, पहली रो डिफाइन हो गई, हेडर डिफाइन हो गए, पहली कॉलम आपका जो पहला रो है वो बनके तैयार, ठीक। दूसरी रो में आते हैं, तो दूसरी रो में बनाने के लिए हम फिर से TR लगाएंगे, दूसरी रो, यहाँ से दूसरी रो क्या लिखेगी,
दूसरी रो में हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम हेडर तो डिफाइन कर नहीं रहे हैं, हेडर तो हम एक ही बार डिफाइन करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि हर लाइन में हेडर ही डिफाइन करते रहे, ऐसा तो नहीं, हेडर तो हम एक ही बार डिफाइन करेंगे ना। ठीक, तो दूसरी बार में हमने क्या किया, उस हेडर की डिटेल भरी है ना, उस हेडर की डिटेल भर रहे हैं ना अब। अब तो डिटेल के लिए हम क्या करते हैं, टी डी टैग का यूज करते हैं इसका, ठीक है, टी डी टैग का यूज करते हैं। ठीक है, टी डी लगाया, टी डी में पहला, पहले क्या लिख रहा है अपन को, सीरियल नंबर पहला, लो भैया स्लैश टी डी, स्लैश टी डी। उसके बाद दूसरा क्या भर रहे हैं, नाम, और नाम क्या था अपन ने, मुकेश, पहला नाम क्या है था, मुकेश शर्मा था, है ना, तो भैया मुकेश शर्मा को ले आए बीच में और टी डी को कर दिया बंद। फिर मुकेश शर्मा की क्या लिखनी है अपन को, डेजिग्नेशन लिखनी, तो डेजिग्नेशन लिख दिया, भैया जी एम डी है, ठीक, असली मचाले सच सच, एम डी एच एम डी एच, ठीक। फिर टी डी, अब इनकी सैलरी लिखनी, तो सैलरी इनकी 75,000 समथिंग थी, ठीक, जैसे लिखनी वैसे लिख दो है, ठीक। उसके बाद स्लैश टी डी, कोई दिक्कत, चारों हो गई ना कॉलम, ठीक, जैसे चारों कॉलम रिफाइन हुए टी आर को फिर से क्लोज, ठीक। कैमरा ऑफ हो गया है सर, जरा देखिए वहाँ ऊपर लाल बटन हो गया, उसको दबा देना हल्का सा, नहीं साइड में देखो लाल बटन होगा, उसको केवल रेड बटन जो है, नहीं अभी एक बार और दबाओ जोर से, दबाए रहो तो थोड़ी देर, अब छोड़ दो, आ जाओ, ओके। अब भाई देखो इंटरप्शन तो आनी है, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, चलो। तो पहला आपका हो गया, दूसरा कॉलम बनके तैयार, मुकेश शर्मा का डिटेल भर गया। अब फिर से दूसरा है, फिर रो लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि अब हमें राहुल कुमार की डिटेल भरनी है, ठीक, चलो भाई भरते हैं। टी डी दो स्लैश टी डी, फिर टी डी राहुल कुमार स्लैश टी डी, टी डी डेजिग्नेशन एच आर, टी डी सैलरी 72,000, कोई दिक्कत, भर गई चारों, टी आर को फिर बंद कर दो, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, आगे बढ़ो, तीसरे नंबर को बनना है, फिर टी आर लगाओ। टी डी कौन थे, पीयूष, नहीं तीसरा नंबर, स्लैश टी डी, नाम आलोक का, आलोक झा तो चौथे पे थे, नहीं हम कह रहे फिर भी, हाँ हमने टेबल बनाई हमें याद नहीं होगा, हाँ तो टी डी में तीसरे नंबर पे कौन था अपना, पीयूष खड़े, ठीक है, पीयूष थे खड़े, और स्लैश लगाई टी डी। इसके बाद इनकी लिखी अपन ने डेजिग्नेशन, कौन थे ये, एरिया मैनेजर बनाया था इनको अपन ने, है ना, अपने हाथ की कंपनी है, किसी को भी कुछ भी बना सकते अपन, और क्या नहीं, ठीक है, एरिया मैनेजर स्लैश टी डी, ठीक है। इसके बाद ऐसा नहीं फिर आप कोई कंपनी में काम करो, कह दो हमारे हाथ की कंपनी, हम कुछ भी बनाए, ऐसा नहीं, वहाँ पे जो है उसी को बनाना, ठीक है, अभी अपने काम की कंपनी है, कुछ भी बनाओ, ठीक। फिर टी डी लगाया, इनकी सैलरी अपनी 60,000 के समथिंग थी, नहीं हाँ कम थी थोड़ी इनकी, फिर स्लैश टी डी, लेकिन ठीक है काम चलेगा, फिर स्लैश टी आर। अब भैया फिर से आते हैं अपन किनको, टी आर को, टी आर में गए, टी डी में, टी डी में गए, चौथा नंबर, चौथा नंबर स्लैश टी डी। उसके बाद इनका अपन ने नाम लिखा, नाम था भाई साहब का आलोक झा, ठीक, स्लैश टी डी, भैया टी डी लिखा, एफ डी ना समझे, हाँ फिर कहो सर जी हमने एफ डी बनाई थी, फिर क्या नहीं हो रहा, वो जो आपने कहा था वो हो ही नहीं रहा। फिर इसके बाद ये जो थे वो कौन थे, इंजीनियर थे उस कंपनी में, है ना, हाँ इंजीनियर थे, और इंजीनियर थे इनकी, अपन ने स्लैश टी डी बना दी, और फिर टी डी लगाया, और यहाँ पे इनकी क्या भर दी, सैलरी 65,000, ठीक है, दरअसल इतनी होती नहीं है, ठीक है। इसके बाद लो अपनी मर्जी है, अपन को इंजीनियर, अपन इंजीनियर है ना, तो इंजीनियर की सैलरी तो ज़्यादा रखनी चाहिए, ठीक। चारों भर गए अपने कि नहीं भर गए बताओ, ठीक है, चारों कॉलम भर गए, जैसे ही पूरे कॉलम तैयार हो गए बन के, टेबल शुरू में ऑन किया था, टेबल को कर दो यहाँ पे क्लोज। फिर एक चीज भूल गए,
नहीं। अच्छा एक चीज क्या कहूँ, तो पूरी चीज हम भूल गए सकते, मतलब इससे पहले वो बॉडी लगेगा, ठीक, अभी हम केवल टेबल को बनाना सिखा रहे थे इसलिए, और बाकी ऊपर वो स्लैश हेड टाइटल हेड एचटीएमएल वो सब जैसे ऊपर रहेगा वैसे नीचे होगा, ठीक, बाकी बीच में आपका ये प्रोग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये प्रोग्राम कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। हाँ ये अपना आया सीरियल नंबर, ये अपन ने हेड डिफाइन किए, ये उनकी क्या भर दी अपन ने, ये चारों डिटेल भर दी, और ऊपर एचटीएमएल वगैरह ओपन करेंगे, नीचे एचटीएमएल वगैरह ओपन करेंगे, इस फाइल को आप सेव करो डॉट एचटीएमएल लगा के, प्रोग्राम को करो रन, तो आपका ये जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये दिखेगा। लेकिन एक बात याद रखना कि इसमें आपको ये नहीं दिखेगा, ठीक, ये आपको इसमें अभी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमने अपनी टेबल में अभी कोई भी क्या नहीं किया है, कोई भी एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है, कोई भी बॉर्डर नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, तो आपको टेबल केवल ऐसी दिखेगी, ठीक है, सिंपल खाली खाली, ठीक है, तो ऐसी टेबल अपन ने बनाना सीख लिया, ठीक। अच्छा और ऊपर ये जो चीज लिखी हुई है सैलरी चार्ट ऑफ एम्प्लॉय कंपनी, ये भी नहीं दिखेगा, ठीक है, ये भी नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि हमने जो अपना क्या है टेबल है उसको अपन ने क्या नहीं दिया, कोई भी अपन ने उसको कॉलेज पेन दिया ही नहीं है। कॉलेज पेन देने का मतलब क्या है, मतलब अपन ने इसको कोई भी टाइटल दिया नहीं है, तो ऐसी आपको टेबल प्रदर्शित होगी भाई साहब, ठीक है। अगर आपको ऐसी टेबल प्रदर्शित होती है इसका मतलब आपने प्रोग्राम अभी फिलहाल सही बनाया है। कल की क्लास में अपन क्या सीखेंगे, कल की क्लास में सीखेंगे कि कैसे हम टेबल के एट्रीब्यूट यूज करते हैं, कैसे सेल की स्पेसिंग बढ़ाते हैं, कैसे रो की स्पेसिंग बढ़ाते हैं, कैसे लाइनिंग बढ़ाते हैं, कैसे बॉर्डर डालते हैं, कैसे टेबल में बैकग्राउंड डालते हैं, बैकग्राउंड में इमेज कैसे सेट करते हैं टेबल की पर्टिकुलर, है ना, ठीक है, तो ये सब चीजें अपन कल की क्लास में सीखेंगे। तब तक सभी को टाटा बाय बाय। अगर टेबल टैग समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो नए हैं पुराने हैं वो शेयर करें, और जो बहुत ज्यादा पुराने हैं बुजुर्ग हो गए हैं हमारे चैनल पे, ठीक है, वो तो अपने देखो परिवार के हिस्सा हो, ठीक है, तो परिवार का हिस्सा हो तो जाहिर सी बात है परिवार को बढ़ाना आपका दायित्व बनता है, ठीक है, तो आप अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। तब तक सभी को टाटा बाय बाय, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।